जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब ये अमर पंक्तियां हैं नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर पद्म भूषण कुंवर नारायण जी की कुंवर नारायण अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में उन्नीस सितंबर सन 1927 को हुआ प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में हुई और सन उन्नीस सौ इक्यावन में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एम.ए. किया कुं नारायण बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे साहित्य की अनेक विधाओं पर इन्होंने कलम चलाकर कीर्तिमान स्थापित किया है कविता खंड काव्य कहानी अनुवाद इस तरह से इनका जो साहित्यिक प्रदेय है वह हिंदी साहित्य में स्तुत्य है प्रणम्य है इनका कविता संग्रह जैसे चक्रव्यूह और तीसरा सब तक जो संग्रहित है जिसमें इनकी रचनाएं परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं कविता के बहाने इन दिनों ये इनके काव्य संकलन है और खंड काव्य में आत्मजयी और दूसरा खंड काव्य है और बाजत श्रवा के बहाने कहानी संग्रह कहानियाँ भी इन्होंने बहुत लिखी हैं कहानी संग्रह जो बहुत प्रसिद्ध है यह है आकारों के आसपास और अनुवाद भी किया है क्योंकि ये विश्व भ्रमण के शौकीन थे और पूरी दुनिया का इन्होंने भ्रमण किया तो यूनानी कवि कवाफी और इस्पानी कवि बारखेस की कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है इनकी साहित्यिक सेवाओं और इनके प्रदेय को देखते हुए अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया गया कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पद्म भूषण सम्मान सलाका सम्मान राष्ट्रीय कबीर सम्मान अंतर्राष्ट्रीय फेरेनिया सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया भ्रमणशीलता और पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन के कारण इनका दृष्टिकोण कविता के प्रति भी वैज्ञानिक रहा है इसीलिए कौन नारायण जी की कविताओं में विचार पक्ष की प्रधानता है वे कविता को कोरी भावुकता या युक कहें कल्पना का पर्याय नहीं मानते थे अपनी संवेदना को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मकता का सहारा लिया मूलतः इन्हें नगरीय संवेदना का कवि माना जाता है इनके समग्र साहित्य में समकालीन समाज की झांकी का दर्शन किया जा सकता है मानवतावादी विराट भावना के दर्शन प्रत्येक कविताओं में प्रत्येक काव्य संकलन में इनके समग्र साहित्य में आपको दिखाई देगा भाषा और विषय की विविधता कुंवर नारायण जी की कविता के विशेष गुण हैं जहाँ तक भाषा का प्रश्न है इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली अंग्रेजी उर्दू फारसी तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं बिंब योजना अत्यंत सुंदर और सटीक है कुंव नारायण जी आधुनिक हिंदी धारा में प्रमुख स्थान रखते हैं इनका साहित्य हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि है आपके पाठ्यक्रम में संकलित कविता कविता के बहाने कुंवर नारायण जी के इन दिनों काव्य संकलन से ली गई है आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है शंका की जा रही है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा ऐसे में यह कविता कविता की अपी अपार संभावनाओं को टटोलने का अवसर देती है कविता के बहाने एक यात्रा है चिड़िया फूल और बच्चे तक की एक और प्रकृति है दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा आइए सुनते हैं कविता का प्रथम अंश कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है लेकिन दोनों के उड़ान में अंतर है चिड़िया के उड़ान की एक सीमा है जबकि कविता को भावों की विचारों के उड़ने की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कविता नहीं बंध सकती एक तो चिड़िया के उड़ान के साथ क्योंकि चिड़िया की एक सीमा होती है उड़ने की कविता की कोई सीमा नहीं है उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता उसकी उड़ान अनंत है इसीलिए कवि कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान पाती नहीं समझ पाती वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंखों से नहीं कर सकते अब आइए देखते हैं कविता का दूसरा भाग कविता एक खिलना है फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने कविता का खिलना फूलों के समान है लेकिन कविता के खिलने और फूल के खिलने में सूक्ष्म अंतर होता है फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है समाप्त तो हो जाता है फूल की एक आवाधी है जो निश्चित है जबकि कविता एक बार विकसित हो जाने के बाद जीवन पाने के बाद वह अमर और अमित हो जाती है इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का मर्म फूल नहीं समझ सकता कवि कर स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद तो है उत्साह है कोमलता है आकर्षण है पर वो कविता का सामना नहीं कर सकता कविता कालजयी होती है अनंत जीवन और आनंद से युक्त होती है वह फूलों की तरह एक बार खिलकर मुरझाती नहीं वह शाश्वत है अजर है अमर है आइए अब सुनते हैं कविता का अंतिम भाग कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने कविता के बहाने अंतिम काव्यांश में कवि कुंवर नारायण ने बच्चों के बहाने कविता की विशेषता को उजागर किया है जिस प्रकार बच्चों में असीम संभावनाएं छिपी होती हैं ठीक उसी प्रकार कविता में भी असीम संभावनाएं निहित होती हैं बच्चा खेल खेल में अपने पराये का जो भेदभाव है उसे वो मिटा देता है उसी प्रकार कविता भी किसी के साथ भेदभाव किए बिना प्रेम और अपनापन का संदेश देती है कवि के अनुसार कविता बच्चों के खेल की तरह है बच्चा खिलौने से खेलता है और कविता शब्दों से खेलती है कविता का क्षेत्र जो है वो सीमा रहित है जैसे बच्चों के सपने की कोई सीमा नहीं है अब बहुत लंबा स्वप्न देखते हैं बच्चे वे भविष्य की ओर उड़ान भरते हैं वैसे ही कविता भी शब्दों और भावों का ऐसा अनूठा खेल है जिस पर किसी का कोई बंधन नहीं कहने का आशय यह है कि बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं चाहे घर की सीमा हो भाषा की सीमा हो कवि कभी ने कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया है जो किसी भी सीमा में बंधकर नहीं रहती इस कविता में लक्षणा शब्द शक्ति कवि के कथन को गंभीर बना देती है प्रसाद गुण है शांतरस भाषा प्रचलित खड़ी बोली है पूरी कविता में प्रश्न शैली ने नाटकीयता की सृष्टि की, की है अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार दर्शनीय है